हेलो गाइस, हम लोग मेला के पहले यहाँ निरीक्षण करने आए हैं कि किस टाइप से आज मेला का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि मेला तो 27 तारीख से स्टार्ट है लेकिन आज है 25 तारीख, 2 दिन पहले ही हम यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। देखते हैं आज घूम के, वैसे क्या है मेरे को भूख लग गई तो मैं थोड़ा सोचा कि महादेव घाट की सैर करके कुछ अपनी भूख मिटा लूँ। तो वेलकम गाइस, माय यूट्यूब चैनल चैतन्य व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल से। रुको, हॉस्पिटल में पूरा दिन निकल जाता है। 12 बजे से गई थी, वो अभी आ रही हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है? आज मैं अपना घर ही पहनना भूल गई जल्दी जल्दी में, और मेरे हस्बैंड उस पार है, मेरे को रोज वॉक करने में बहुत दिक्कत होती है। देखो पीप पाप बज रहा है। तो ना तैयारियाँ शुरू हो गई है। वैसे 27 से है मेला, तो 27, 28, 29 3 दिन तक रहता है। तो आप सब ना, आप सबको इनवाइटेड है कि आप सब आओ मेला में और मुझसे मिलो। काश कोई मेरी सब्सक्राइबर मिल जाए, मेले में मज़ा आ जाएगा। तो फिर ये देखो झूला उला इस साइड लग रहा है, आगे भी आप सबको दिखा रही हूँ ना। देखो तैयारियाँ चल रही है। ये पूरा इतना भीड़ रहेगा, इतना भीड़ रहेगा कि चलने तक का जगह नहीं रहेगा। इतना भीड़ होने वाले हैं 27 नवंबर को। और अभी आप देख रहे हैं इस तरह से खाली है, कॉपीराइट लग जाएगा। लग रहा है जो गाना वाना चल रहा है, तो रुको ना थोड़ी देर बाद दिखा दें। देखिए अभी तैयारियाँ चल रही है मेला की इस तरह से। अब सामान जमाए नहीं है, सब बैठे बैठे हैं। इधर क्या हो रहा है? भागवत का तो पूर्ण कार्तिक माँ का अवसर। मेरे आँख में कुछ चलो गया। क्या खाओगे लेडीज से? कुछ खाते उसके पास खाओ। मेरे आँख में कुछ चलो गया यार। यहाँ हर एक मॉल 10 रुपए वाला, और इधर झूला। तो आप सबको ना झूला दिखाने वाली हूँ, और पता नहीं इस बार मैं झूलूंगी कि नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी हॉस्पिटल से ही, तो क्यों। और इधर ना गेम है शायद, है ना, गेम कभी नहीं खेलना चाहिए लगता है यार। पूरा घाटा ही घाटा होता है, पैसा जाता है। ये गेम तो और कभी नहीं खेलना चाहिए। हम लोग राजीव में वाला गेम खेले थे, इतना बकवास गेम है ना, सभी गिलास गिर जाता है लेकिन वो एक रह जाता है, गिरता ही नहीं है। देखो कितना सारा ललचाने के लिए रखते हैं। मैं तो नहीं खेलूंगी गेम उससे वगैरह, ये बच्चे लोग खेल रहे हैं। और यहाँ लग रहा है झूला, आकाश झूला। इस बार ना 2-3 साइड से झूला लगा है, तो चलो ना, हो तो क्या दिखा डाली मैं। पूरा दिखाओगे ना? थोड़ा आओ। दिख गया पूरा, देखो काम चल रहा है। तो इधर काम चल रहा है, पेंट हो रहा है, पेंट। अरे तो कैसे खदारी हो गया पेंट करने से भी पूरा नया लग जाएगा। देखो पेंट हुआ कितना नया लग रहा है, और उस हालात में था शायद पहले। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं ना, हो गया देख डाले। तो चलते हैं आगे, क्योंकि मेरे को तो आज भूख प्यास सब खत्म हो गई है, कर ली। मैं क्या बोल रही थी, भूल गई थी। तो आज का वीडियो देख रहे हो, और आप सबको ना मैं 27 नवंबर का वीडियो दिखाने वाली हूँ। इतना भीड़ रहेगा, इतना भीड़ कि मैं मोबाइल का ऐसा ऊपर भी नहीं रख पाऊँगी, पता नहीं कोई छीन के ले जाएगा। ऐसे चलने तक का जगह नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है। और हम जब से यहाँ अमृतसर में रहते हैं ना, तब से हर साल आते हैं पुन्नी मेला। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आती थी। मेरे हस्बैंड आते थे हमारे घर, तो इनको घुमाने लेके आते थे। बड़ा मज़ा आता था झूला झूलने में, घूमने में बहुत मज़ा आया। शादी से पहले कितना बार घूमे थे मेरे साथ ये मेला? मैं 7-8 बार घूम चुका। नहीं इतना बार नहीं घूमे हो आप? घूम चुका हूँ मैं। नहीं आप 2-3 बार बस तो आए हो क्या? 4 बार कम से कम, 4 बार होगा आपके याद नहीं है, 4 बार होगा जी। ये मेन मंदिर महादेव की है, श्री हटकेश्वर नाथ जी मंदिर। इधर हम अंदर जाएंगे तो ना मंदिर आ जाएंगे। तो इधर सब मांगने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए। और ये हम ना नदी साइड ले जा रहे हैं, ये काली मंदिर है, काली माँ की मंदिर है। और हम ना इधर देखो लाइन से बैठे हुए हैं, और हम ना नदी साइड जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को ना वो वाला ठेले का क्या बोलते हैं जी, गुपचुप अच्छा लगता है ना जी, तो हम वहीं पास जा रहे हैं। नहीं लूँगी जी, मेरे पास है, आप रखने का तक जगह नहीं है। एक बार दिखा दूँ क्या? दिखाने में क्या?
120 रुपए का। मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को। वहाँ पर लेना है हम आ गए हैं घर। मेरा भतीजा हम लोग का वेट कर रहा था कि कब फूफा आए तो कब कार पे बैठो। तो ये देखिए हम इसे घुमाने ले गए हैं अमलेश्वर डी। तो वहाँ से हम लोग घूम कर आ रहे हैं। बाबू अपने फूफा के साथ सामने में बैठना पसंद करता है, उसको चलाने का बोरा मन करता है। तो ये देखो आज हमारा बाबू ड्राइव कर रहा है कार, ऐसा लग रहा है। तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, इस आगे हम ना कमेंट पढ़ेंगे। आप सबका बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स है, तो देखते हैं आज किस किस का कमेंट आता है हमारे। तो गाइस मैंने एक हफ्ते से बहुत लोगों का कमेंट नहीं पढ़ा है, तो ये देखिए कमेंट बॉक्स भर चुके हैं इतने सारे कमेंट्स से। तो आज ना मैं आप सबको सभी का कमेंट पढ़ के बताऊंगी। और मुझे ना ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। आप सबको अच्छा लगता है कि नहीं कमेंट करके बताइए। और मुझे सच में कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप सबको रिप्लाई भी देना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप सब ना कमेंट करिए। तो चलिए फर्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो शहबाज अली जी हमें लिखते हैं कि सॉन्ग से लगता है आप दोनों बहुत मतलब खाटी कोशिश के बाद मिले हो। तो हाँ, आप सबको बता देना चाहती हूँ कि हम बहुत 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 मुश्किल से मिले हैं। कभी लव स्टोरी वीडियोस लेकर आऊँगी, उसमें आप जानना। फिर ये लिखते हैं यू आर सो लकी, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कसम से। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग अ वाओ। थैंक यू अली जी, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। फिर नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं सुनीता सुमन का। ये ना कप केप का वीडियोस बनाने बोल रही है, स्पॉन्ज का वीडियोस बनाने बोल रही है। तो हाँ, मैं ज़रूर उनका वीडियो लेकर आऊँगी। फिर एक कमेंट है फिर से सहबाज अली जी, फिर लिखते हैं हिम्मत नहीं हारिएगा, एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो हाँ, मुझे उस पल का बहुत इंतज़ार है, सच में बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ का इंतज़ार है। फिर लिखती है मनीषा जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, स्माइल के साथ, नाइस। अवन के बिना पिज्ज़ा बनाना बताइए। ठीक है जी, मैं पाकिस्तान से हूँ वरना ऑर्डर करती। वाओ, थैंक यू सो मच। आप सबका कमेंट ना ऐसे मेरा दिल खुश कर देता है। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए, मुझे आप सबकी कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सच में कोई अपना है, तो मैंने अच्छे से फैमिली बनाई हुई है यूट्यूब पर, ऐसा लगता है। फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है आपका अवन कितने का है दी, अवन आप इसी अवन में केक बेक करती हो क्या, अवन कितने में आ जाए। तो ये सब तो मैं ना उस दिन सफ़र कर रही थी, मैं मैनपुर से रायपुर आ रही थी, तो मैं बोली अभी सफ़र में हूँ, फ्री होकर रिप्लाई करूँगी। तो हाँ, आपके लिए ये रिप्लाई है कि अवन कितने का है। तो ये ना मुझे शादी में मिला था, 7,000 का था, अब शायद इसकी रेट बढ़ गई है। सबसे छोटे साइज में यही वाला अवन था जो 7,000 का था, और अभी कितना है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अवन कितने में आ जाएगा आप सबको बता दी, 7,000। तो गाइस बाय बाय, ये वाली वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ना क्या बोलते हैं ऐसी आ गई, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी आप सबके लिए मैं खुश रहती हूँ, ऐसी रहती हूँ, हंसते मुस्कुराते रहती हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप सबको थोड़ा देख के लग भी रहा होगा। कमेंट करके बताना किस किस को लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है सच में। तो ये है कि मैं ऊपर आ गई हूँ वॉइस ओवर के लिए, टूटा फूटा कुर्सी पे बैठ गई हूँ। ये वाला कुर्सी ऐसे ही ख़राब हो गया है क्योंकि ऊपर पे रखाया रहता है, धूप होता है तो ना ऐसी ना धूप की वजह से वो सड़ गई है पूरी तरह से। तो इसी में काम चलाने के लिए मैं अभी ऐसी इसमें बैठ जाती हूँ, ऐसे गिर ना जाऊँ, डर लगा रहता है, लेकिन नहीं गिरूँगी। तो यही है कि आप सबको थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, और ना दिल से थैंक यू कि आप सबने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किया। सच में मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत दिल ऐसे खुश सा हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये वाला वीडियो यहीं एंड करता, बहुत लंबा हो गया। फिर से कमेंट करिएगा, फिर से आप सबकी कमेंट पढ़ के मैं बहुत
बहुत खुश होने वाली हूँ और आप भी बहुत खुश होने वाले हैं। तो आज के सबसे अच्छा कमेंट किसका था, कमेंट करके आप ही लोग बताना। मुझे तो स्पेशली सबका कमेंट अच्छा लगता है, सबका ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोग ना इतना अपने बिजी टाइम से मुझे टाइम देकर मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। ओ गॉड, इससे अच्छा बढ़ के और क्या है। तो इसीलिए मुझे ना सबका कमेंट बहुत अच्छा लगता है। किसी एक पर्सन का नहीं चूज कर सकती, सॉरी, किसी एक पर्सन का चूज नहीं कर सकती, सबका ही बहुत अच्छा लगता है। सबको बहुत अच्छा था। तो सबको दिल से थैंक यू, लव यू ऑल, बाय। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, ऐसी हूँ मैं एकदम, देखो ना। चलो ठीक है ना, बाय। कल मेले में अच्छे से तैयार होंगी, फिर आप सबसे मिलते हैं।